नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों के द्वारा की गई दो दिन की भूख हड़ताल के बाद में क्या मिला है ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को इसके बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा खबर दी जाती है। तो आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, 9 नवंबर और 10 नवंबर दो दिन सभी ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी संगठनों ने मिलकर देशव्यापी भूख हड़ताल करने की घोषणा की थी और इस भूख हड़ताल में अधिक से अधिक ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी शामिल हुए थे और हड़ताल सफल रही थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हड़ताल करने का मकसद था ग्रामीण डाक सेवक पे कमेटी रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी लागू करवाना। दोस्तों, सभी ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी संगठन यह बता रहे हैं कि दो दिन की भूख हड़ताल सफल रही है और सभी कर्मचारियों को भाग नहीं लेने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक सरकार की तरफ से GDS पर कमेटी रिपोर्ट कब लागू की जाएगी, क्या उसकी स्थिति है, इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है और इस ज्ञापन पत्र में प्रधानमंत्री से GDS पर कमेटी रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी लागू करवाने का निवेदन किया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि कमेटी ने GDS पे कमेटी रिपोर्ट को पिछले साल ही सरकार को सौंप दिया गया था, लेकिन अभी तक वित्त मंत्रालय से इस रिपोर्ट को अनुमति नहीं मिली है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय से अनुमोदित करवाया जाए। दोस्तों, एक बार फिर से वही ज्ञापन पत्र, वही आश्वासन, लेकिन आधिकारिक रूप से डाक विभाग के द्वारा कोई बयान जारी नहीं किया गया है कि GDS कमेटी रिपोर्ट को कब लागू किया जाए कार और कितना ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ेगा बढ़ा हुआ वेतन पाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पे कमेटी रिपोर्ट को जल्दी लागू करवाने के लिए जुलाई के महीने में भी कई दिन की हड़ताल की गई थी और उस हड़ताल के बाद में डाक विभाग ने यह आश्वासन दिया था कि जल्दी रिपोर्ट को लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया और इसी की वजह से दो दिन की भूख हड़ताल की गई थी। भूख हड़ताल खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक डाक विभाग के द्वारा कोई आधिकारिक बयान इस बारे में जारी नहीं किया गया है। दोस्तों, भूख हड़ताल शुरू होने से पहले डाक विभाग में GDS संगठनों को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने बताया था कि GDS कमेटी रिपोर्ट अभी वित्त मंत्रालय के पास में है और जैसे ही वित्त मंत्रालय से रिपोर्ट अनुमोदित होती है तुरंत प्रभाव से उसको लागू कर दिया जाएगा और पर कमेटी रिपोर्ट को जल्दी लागू करवाने के लिए ही यह दो दिन की भूख हड़ताल की गई थी। अभी तक की है क्लियर नहीं हुआ है कि कब GDS कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। हालांकि बाकी केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल चुका है। अंत में यही बात निकल कर आती है कि ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को भूख हड़ताल करने के बाद में भी कुछ नहीं मिला है और इस बार तो आश्वासन भी नहीं मिला है सरकार की तरफ से कि कब लागू किया जाएगा GDS कमेटी रिपोर्ट को।